क्या आप जानते हैं? शनि नव ग्रहों में सर्वाधिक शक्तिशाली एवं रहस्यमयी ग्रह है। सूर्य देव इनके पिता व छाया इनकी माता है। शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है। कहते हैं कि शनि देव व्यक्तियों के अच्छे बुरे कर्मों का लेख रखते हैं और उसी के अनुसार व्यक्तियों को फल देते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को शुभ फल और बुरे कर्म करने वालों को दंड देते हैं। शनि देव के प्रकोप से मनुष्य ही नहीं किंतु देवता भी कांपते हैं। उन्हीं शनि देव के पौराणिक व खगोलीय स्वरूप के दर्शन आज हम इस प्रस्तुति में करने जा रहे हैं तथा शनि देव के प्रभाव व उपाय भी जानेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सर्वप्रथम हम आपको शनि देव के पौराणिक स्वरूप से अवगत कराएंगे। पुराणों के आधार पर नीला रंग बल, पौरुष और वीर भाव का प्रतीक है। हमारे सिर पर विस्तृत आकाश नील वर्ण है। नीला रंग सहिष्णुता का प्रतीक है, अतः शनि देव भी नीले रंग के हैं और नीलकंठ शनि के आराध्य देव हैं। शिव भक्ति से शनि अति प्रसन्न होते हैं। इंद्रनील द्वितीयः शूली वर्दो गृध्रवाहनः बाणबाणासंधरः कर्तव्योक्सुतस्तथा। यह सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला और शरीर पर नीले रंग के वस्त्र से सुशोभित हैं तथा हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, त्रिशूल और वर मुद्रा धारण करते हैं। इनका वाहन गिद्ध तथा रथ है। रथ पूर्णतः लोहे का बना हुआ है। शनिदेव की शरीर कांति इंद्र नीलमणि की सी दिखाई पड़ती है। फिर हमारे समक्ष यह प्रश्न आता है कि शनिदेव कैसे उत्पन्न हुए। इनकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। एक बार मरीचि, कश्यप आदि ऋषियों ने सृष्टि कामना के लिए बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में सूर्य भी उपस्थित थे और वहां त्वष्ट प्रजापति की कन्या संध्या भी थी। सूर्य तथा संध्या एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो गए। इस अवसर पर संध्या व सूर्य देव का विवाह कर दिया गया। सभी ऋषियों ने दोनों को हर्षित मन से आशीर्वाद दिया, परंतु संध्या सूर्य देव के परम तेजस्वी रूप यानी किरणों को सहन न कर सकी। संध्या ने अपनी माया से अपनी छाया को प्रकट कर उसका नाम स्वर्णा रखा। संध्या बोली, हे स्वर्णा, मेरे वचनों को ध्यान से सुनो। मैं कुछ दिन पिताजी के घर जाना चाहती हूँ। तब तक तुम मेरे घर में मेरी आज्ञा से निशंक होकर रहो। मेरे पति सूर्य की मेरी ही समान सेवा करो। ऐसा कहकर छाया को सूर्य के साथ रमण करने के लिए छोड़कर संध्या पिता के घर चली गई। छाया के साथ रमण करने पर सूर्य देव को क्रमशः तीन तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। पहला पुत्र सावर्णी मनु, दूसरा शनि और तीसरा यम कहलाया। वैसे तो सूर्य देव के कुल 9 पुत्र हुए और एक पुत्री यमुना भी हुई। यम और यमुना सूर्य देव की जुड़वा संताने हैं। अश्विनी कुमार, सुग्रीव और दानवीर कर्ण भी कालांतर में सूर्य पुत्र ही थे। इसके अतिरिक्त शनि देव का खगोलीय स्वरूप भी विचित्र है। बृहस्पति के बाद सबसे बड़े ग्रहों में शनि का स्थान प्रमुख है। नीलवर्ण का यह ग्रह सूर्य से 14 करोड़ 26 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शनि अर्थात मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। इनके मंद चलने का कारण हम आपको कथा के द्वारा बता रहे हैं। त्रेता युग में त्रिलोकी विजय रावण की कैद में सारे ग्रह उल्टे लटके हुए थे। रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भवती थी। रावण को एक तेजस्वी पुत्र की कामना थी, ऐसा पुत्र जो अजर अमर, महान पराक्रमी एवं शत्रुंजयी हो। पुत्र उत्पत्ति का समय नजदीक था। रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दे दिया कि अपने अपने उच्च स्थान में चले जाओ।
रावण के अधीन होने के कारण सभी ग्रह अपने अपने संस्थान व उच्च राशि में चले गए। वह अपनी मर्यादा एवं वचन में बंधे हुए थे। सभी ग्रहों ने सोचा, हम सैकड़ों वर्षों से रावण की कैद में हैं। यदि इसका पुत्र इससे अधिक दीर्घजीवी एवं पराक्रमी होगा तो हमारा क्या हाल होगा। सभी ग्रहों ने शनि से प्रार्थना की, आप कोई ऐसा रास्ता या उपाय बताओ कि हम सभी रावण की कैद से मुक्त हो जाएं। शनि ग्रह जन्म से ही चालाक, हठी एवं साहसी है। शनि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लाभ भाव में बैठे शनि ने चुपके से अपनी दाई टांग 12वें भाव में डाल दी। ज्योतिष का सर्वमान्य सिद्धांत है कि 12वां शनि अकाल मृत्यु का कारण बनता है। रावण पुत्र उत्सव की खुशी में व्यस्त और मस्त था। कुछ समय बाद रावण ने ग्रह स्पष्ट करते हुए मेघनाथ की षोडशवर्गी कुंडली बनाई। शनि की यह हरकत देखकर रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने शनि की दाई टांग को पकड़कर ऐसा पछाड़ा कि शनि की दाई टांग टूट गई। शनैः शनैः चलती इति शनिश्चर, इसी दिन से शनि का नाम शनिश्चर हो गया। यह 9 ग्रहों में सबसे धीमे चलने वाले ग्रह हैं। शनि आकार में केवल बृहस्पति से ही छोटे हैं। इनका व्यास 1,20,500 किलोमीटर है। 9 चंद्रमा शनि ग्रह की परिक्रमा करते हैं। शनि को अर्क पुत्र, छायात्मज, असित, नील, मंद, खंज आदि नाम से भी जाना जाता है। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीने 16 दिन 23 घंटे और 16 मिनट में करते हैं। यह अपनी धुरी पर 17 घंटे 14 मिनट 24 सेकंड में एक चक्कर लगाते हैं। मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में अनेक उलझनों में फंसा रहता है। वह यह निर्णय नहीं ले पाता कि शनि देव की नकारात्मक दृष्टि व उनसे होने वाली हानि से कैसे बचा जाए तथा इनकी दृष्टि से बचने और सकारात्मक लाभ प्राप्त करने हेतु मनुष्य को क्या क्या उपाय करने चाहिए व अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन लाने चाहिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमारी अगली प्रस्तुति शनि देव भाग 2 में जान सकते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।